हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ठीक है? पूरा पता है क्या मतलब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देती हूँ। मेरे, ये तो आपको पता चल ही गया है सबको कि मेरे 3 चैनल हो गए हैं अब, है ना? तो मैं पहले से ही आपको बताने वाली थी, लेकिन किसी ने कल कमेंट करा था कि मतलब 2 चैनल क्या कम थे, कि और आपने पढ़ा भी होगा मेरे हस्बैंड वाले चैनल पे बहुत कम कमेंट है अभी उस पर, उसी पे उन्होंने कमेंट करा था। लेकिन मैं ये, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये बात मुझे आप लोगों को पहले ही बताना था। उन्होंने पूछ लिया, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ मैंने क्यों 3रा चैनल ओपन कर लिया। ये मतलब बात ये है कि मेरे जो ये वाले 2 चैनल है, एक फर्स्ट तो क्रंचिंग है, एडिटिंग है, और सेकंड वही है अनुप्रियाज मिक्सोट एंड क्रंच, ठीक है? ये दोनों चैनल फ्रेंड्स मैंने गलती से एक ही आईडी पे बना दिए हैं। पता है ये हो गया मेरे साथ, मैंने ना फर्स्ट बनाया था एक, तो एक बनाने के बाद फिर मैंने क्या सोचा, ऐसे ही मैं बना के देख रही थी तो मैंने दूसरा चैनल भी क्रिएट कर लिया ऐसे ही देख देख के यूट्यूब से। और फिर मैंने सोचा कि उस पर मैं मेकअप वाले वीडियो डालूँ, आप लोगों ने देखे भी होंगे, जिसने देखे होंगे उनको पता होगा। फिर मैंने सोचा कि यार फिर उसी पे डाल लूँ, बंद कर देती हूँ उसको, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने उसको फिर से शुरू किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो ये मेरा चैनल है क्रंचिंग एडिटिंग, क्योंकि मैं अब सेलिंग भी करने वाली हूँ, उस टाइम मैंने सोचा था कि सेलिंग करने वाली हूँ जब मैंने दूसरे वाले चैनल पर वीडियोज़ डालना शुरू करा था। तो और जैसे कि अब मैं सेलिंग कर भी रही हूँ, और वीडियो में बहुत जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ स्टॉक की। और फिर मैंने सोचा कि इस पे मैं सारा अपना स्टॉक दिखाया करूंगी, और जो भी मेरे ब्लॉग वगैरह होंगे वो चला लूंगी। और जो मैंने दूसरा वो फिर मेकअप एंड फैशन वाले का नाम चेंज करके जो दोबारा वो चैनल क्रिएट करा था ना, उसको मैंने सोचा कि उसमें टोटली क्रंच वीडियो ही डालूंगी सारा, ठीक है? उस पर कोई अदर वीडियो नहीं डालूंगी, उस पर मैं पूरा क्रंच वीडियो ही डालूंगी। तो मैंने इसलिए 2 कर लिए थे, एक अपने व्लॉग और अदर वीडियो के लिए था, और अपने सेलिंग वीडियो के लिए था, और दूसरा जो था वो मैंने सिर्फ क्रंच के लिए रखा था। अब उसमें दिक्कत ये हो गई है कि दोनों चैनल एक ही आईडी पे होने की वजह से, और एक और दिक्कत ये है कि एडसेंस भी दोनों का एक ही है, और तीसरी दिक्कत ये है कि अभी तक गूगल पिन नहीं आया है। तो मुझे पता नहीं, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी मेरे चैनल पे कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि एक ही आईडी पे 2 चैनल है तो दिक्कत हो सकती है। एक आईडी पे एक ही चैनल होना चाहिए और एक ही एडसेंस होना चाहिए, लेकिन मेरे 2 चैनल और 2 चैनल हो गए हैं एक आईडी पे और एक एडसेंस है, तो इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। पता है क्या, अर्निंग बताती हूँ कितनी हो रही है। आप लोग सोचते होंगे, आप पूछते भी हो कि आपकी पेमेंट हो गई कि नहीं। अभी ये देख लो, 5 महीने हो गए मेरे को, 5वां महीना चल रहा है, हो नहीं 5 हो गए पूरे, अभी अभी हुए 18 तारीख को, शायद 18 तारीख को 5 महीने हो गए हैं। तो मेरी अर्निंग हुई है अभी $43, मैं आपको बता दूँ मेरी $43 अर्निंग हुई है बस अभी। और जब मेरी अर्निंग हो जाएगी ना, और मेरे को पैसे मिल जाएंगे मतलब, तो तब मैं पक्का गिव अवे करूँगी, मैं गिव अवे करूँगी फ्रेंड्स। और जब मैं करूँगी आप लोगों को बता दूंगी, गिव अवे रखूँगी मैं जब मेरी फर्स्ट पेमेंट हो जाएगी, और कम से कम 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए, है ना? इतने हो जाएंगे तो मैं पक्का गिव अवे करूँगी। और 3रा चैनल मैंने फ्रेंड्स इसीलिए खोला है, एक तो उसका खोलने का रीज़न ये है कि वो खाली पड़ा था ऐसे ही, मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही बना लिया था शौक शौक में अपना, जब मैंने अपना क्रिएट करा था ना, तो उन्होंने भी अपना बैनर वैनर लगा के परफेक्ट सजा के एकदम बना लिया। मेरा नहीं करा उन्होंने इतना सजाया, जितना उन्होंने अपना ध्यान दिया, पूरा अच्छे से सजा धजा के अपना चैनल बना लिया, लोगो वो बना के उसका अच्छे से जेब लोग करके बना लिया। तो अब डालते वालते कुछ है नहीं, ना इतना शौक है उनको कि यूट्यूब पे वीडियो बनाए कुछ डाले, कुछ भी शौक नहीं है ऐसा कुछ भी करने का, ना उनके पास टाइम होता है, वो ऑफिस निकल जाते हैं, लेट नाइट भी आते हैं फिर, इसलिए उनके पास कोई टाइम होता ही नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि ये दोनों मेरे चैनल अगर बाई चांस एक ही आईडी की ऊपर होने की वजह से अगर बंद हो गए, या इन पे कोई दिक्कत हो गई, आप लोगों को भी पता होगा बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, उनके चैनल बंद हो जाते हैं, उनको दोबारा से करना पड़ता है सब कुछ, तो मैं, मेरा सिर्फ 3रा चैनल चलाने का मतलब यही था कि आप लोग मेरे से जुड़े रहें। अगर मेरे इन 2 चैनल पे दिक्कत हो गई ना, तो मेरा वो एक चैनल चलता रहेगा, क्योंकि वो मेरे अलग आईडी पे है, वो मेरे हस्बैंड की आईडी पे है, इसलिए इसलिए मेरा वो चैनल चलता रहेगा। बस मेरा यही एक कारण था उस चैनल को भी शुरू करने का। तो वैसे आप मुझे उस पर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं ना भाई फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकती अब, क्योंकि मेरे को इसकी आदत हो गई है बहुत बुरी तरह, क्रंच करने की नहीं, आप लोगों से बातें करने की। क्रंच करे बिना मैं रह सकती हूँ, लेकिन अगर आपके कमेंट ना आए ना, तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है कि आज कमेंट क्यों नहीं आए। तो आपका जो सपोर्ट है ना, ये मेरे को ना छोड़ने नहीं देगा यूट्यूब,
तो इसलिए मैंने ये आइडिया मतलब मैंने निकाला, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि क्रंच वीडियो ही आप एडिट कर करके डाल दो, अगर बाई चांस मेरे इन दो चैनल पे कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं आपके आपके चैनल से शुरू कर लूँगी, क्योंकि लोग मेरे को जानते होंगे उस टाइम भी, क्योंकि मेरा एक चैनल तो बचा हुआ ही होगा, बाकी नहीं तो मेरे को सारी मेहनत पूरी दोबारा से करनी पड़ेगी, शुरू से जीरो से मेरे को शुरू करना पड़ेगा फिर। इसलिए मैंने वो तीसरा चैनल चलाया था। अब पता नहीं क्यों, एक तो मेरा एडसेंस पिन ही नहीं आ रहा, अभी ये देख लीजिए मैंने एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करा था 11 अगस्त को, करा था 11 अगस्त को अप्लाई करा था, 11 सितंबर तक मैंने वेट करा, नहीं आया मेरा एडसेंस पिन, फिर मैंने 11 सितंबर को रीअप्लाई कराया, लेकिन पता नहीं अब भी आएगा कि नहीं आएगा, मतलब मैं नहीं करती ये सब चीज़ें, मेरे हस्बैंड ही करते हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा पिन मेरा, मैंने मतलब रीअप्लाई भी कर दिया, पता नहीं कब तक आएगा। तो इसीलिए मेरे को ये डर है कि कहीं चैनल पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने तीसरा चैनल क्रिएट करा था। तो प्लीज़ अगर किसी को मतलब ये लग रहा हो कि बुरा लग रहा हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं था तीसरा चैनल खोलने का, बस यही था, अगर बाई चांस इन पर कोई दिक्कत हो जाती है तो मेरा तीसरा चलता रहेगा और मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँगी, बस इतना ही था। और बताइएगा ज़रूर आपको मतलब मैंने सही किया या नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि मतलब वो उस चैनल पे मैं वीडियो ना डालूँ तो ठीक है मैं नहीं डालूंगी, फिर मैं इन दोनों को ही चला लूँगी जो मेरे हैं, ये तो मेरे चल ही रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, अच्छा खासा आप इन पे सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है तीसरे चैनल क्रिएट करने की, वो तो बस एक मेरी मजबूरी हो गई कि मेरे को क्रिएट करना पड़ रहा है, नहीं बाकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे तो ये वाले चैनल बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो इन चैनल पर। तो और आज भी क्रंच वीडियो आएगा, आज आज एक किसी की रिक्वेस्ट पूरी होगी, और आज मैं नकोमट पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो तैयारी मैं नहीं दिखाऊंगी, उसमें तैयारी दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन वीडियो बहुत अच्छा होगा, तो आप देखिएगा जरूर, वेट करिएगा रात के 10 बजे ऑन टाइम वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, और मुझे बताइएगा जरूर आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है वो थर्ड चैनल जो मैंने शुरू कर लिया, क्योंकि वो बेकार ही पड़ा था फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं उस पर डाल रहा था कोई भी, मेरे फ्रेंड्स सॉरी मेरे हस्बैंड उस पर कुछ नहीं डाल देते, वो खाली पड़ा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एक दो दो वीडियो करके ऐसे डाल देती हूँ, तो बस ये है कि आपकी जान पहचान में रहूँगी मैं, आप लोग मेरे को भूलोगे नहीं, ठीक है, बस यही था और कोई मकसद नहीं था मेरा ये सब करने का। और आप अपने घर वालों को भी बहुत खुशी रखिएगा, और आप भी बहुत खुश रहिएगा, और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, बाय फ्रेंड्स, और हाँ अगर कुछ भी चाहिए होगा तो ऑर्डर जरूर करिएगा मेरे पास, ठीक है, बाय। A1 क्वालिटी का माल है, मैंने खुद थोड़ा सा महंगा उठाया है ताकि आप अपने मतलब जो खरीदने वाले हैं उनको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इसलिए मैंने अच्छा लिया था ये सोच के, और मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं सब लोग, और बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं ये ना झूठ बोलती हैं, ये ना झूठ बोलती है कि इन पर कोई वो नहीं आता मतलब पार्सल वगैरह नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं अभी दिखा नहीं पा रही, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं आपको पार्सल पैकिंग एक को दिखा पाऊँ, आप खुद ही सोचिए मुझे कितना काम होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा घर मेरे को संभालना होता है, मेरे बच्चे हैं उनको पढ़ाना भी पड़ता है, दिन में खाना बनाना पड़ता है, और पूरा घर झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना पड़ता है, ऊपर से मैं वीडियो के लिए भी टाइम निकालती हूँ, ऊपर से आजकल मेरे को टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है कि अभी मेरे पास कपड़े आए हुए हैं थोड़े सिलाई के, जैसे करवा चौथ और ये मतलब आ रहे हैं ना सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कपड़े भी आ रहे हैं सिलने के लिए मेरे पास, तो उनमें भी मेरा टाइम निकल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त दे नहीं पा रही ताकि मैं और वीडियोस वगैरह बना के डाल पाऊँ, तो जैसे ही मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी और मेरा एक और जो ऑर्डर है वो आने वाला है, क्योंकि ये वाला तो मेरा ख़त्म ही होने वाला है, वो आ जाएगा तो फिर मैं पक्का वीडियो डालूंगी, पक्का एकदम वीडियो डालूंगी मैं, फिर बस मेरा यही रीज़न है मैं नहीं डाल पा रही, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, और रात को वही पार्सल की पैकिंग वैकिंग करती हूँ। और हाँ आप ये एक किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब झूठ तो नहीं बोल रहे, मतलब झूठ बोल रहे लोगों को धोखा दे रहे, वो कमेंट उन्होंने शायद डिलीट कर दिया, वो आपको दिखेगा नहीं, मैंने डिलीट नहीं करा, खुद ने उन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने उनको बताया था, ठीक है, मतलब किसी को पता नहीं चलता घर में कि ये पार्सल भी भेजते होंगे पैकिंग भी करती होंगी, ये वो पता नहीं चलता, मैं बताती हूँ पता कैसे नहीं चलता, पता इसलिए नहीं चलता, देखिए मेरे सास ससुर जो इतने मतलब वो तो है नहीं काफ़ी, मतलब उनकी उम्र हो गई है, वो जीने पे चढ़ने उतरने लायक तो है नहीं, और अभी मेरे जो ससुर जी हैं उनका तो ऑपरेशन भी हुआ था घुटनों का, तो ऊपर आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 मंजिल का मेरा मकान है, सबसे नीचे मेरे सास ससुर रहते हैं जो कि एकदम सेपरेट है, जीना वीना सब बाहर से, उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, बीच वाला फिर उसके ऊपर जो फ्लोर है उस पर सारा माल रखा हुआ है, मतलब यही मेरा सारा स्लेट आइटम वगैरह जो भी है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ वही है, वहाँ पे लॉक रहता है, दिन में बिल्कुल भी लॉक नहीं खुलता उस कमरे का, फिर थर्ड पे मैं हूँ, और फिर जो चौथा है ना उस पर मेरे बच्चे खेलते हैं, और मेरे हस्बैंड का रूम है वो जहाँ पे वो अपना ऑफिशियल वर्क करते हैं, जो घर पर लेकर काम आ जाते हैं ना वो वहाँ पर करते हैं, तो ऐसा होता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जितने भी रात तक मेरे पास ऑर्डर आते हैं 10 बजे तक उनका मैं ले लेती हूँ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर लेके मतलब रख लेती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ सबकी कि इतने इतने ऑर्डर इतने इतने सबके आए, वो काम मैं अपना ख़त्म कर लेती हूँ दिन दिन में ही, फिर रात को जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं और मैं नीचे खाना वाना घर सब कुछ मतलब दे दा के फिनिश मेरा काम हो जाता है, तो
तो जीना तो बंद करते ही हैं। देखो सब भाई जब सोते हैं तो अपने घर की सेफ्टी के लिए सब जीने बंद करते हैं, तो जब वो जीना बंद हम कर देते हैं ना सारा काम करने के बाद, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड अपने नीचे वाले रूम में जाके पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं जो मतलब वो लगाना होता है एड्रेस वगैरह, वो सब करते हैं, वो सब हम रात को करते हैं, और करके सारे के सारे पार्सल रात को ही पैक करके रख लेते हैं। और फिर सुबह जैसे कि मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को जाना होता है जल्दी, तो जितने भी पार्सल होंगे सुबह पैक करके हम रख देते हैं, और जैसे ही मेरे हस्बैंड सुबह निकलते हैं ना ऑफिस के लिए तो वो ले जाते हैं, तो इसलिए मेरे उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो उस मतलब बाहर आके देखते भी नहीं है, मतलब अंदर ही लेटे रहते हैं, या कभी कभी तो होते भी नहीं है। जब हम लेके आए थे सोकेजी वाला पार्सल, घर पे नहीं आया था, जब हमने माइन से मंगवाया था तो डायरेक्ट हम कहीं और से लेके आए थे, दूर से हमें लेके आना पड़ा था, तो हम तब लेके आए थे जब ये दोनों घर पे नहीं थे, मेरे सास ससुर घर पे नहीं थे, हॉस्पिटल गए हुए थे, ये जाते रहते हैं ना अपना रूटीन चेकअप के लिए जाते रहते हैं बाहर, तो तब हम लेके आए थे चुपके से, हमने ला के रख लिया था, इनको पता नहीं चला था, और अभी तक भी ने कोई पता नहीं चला है, जब पता चलेगा ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इनका रिएक्शन क्या था, ठीक है। अभी बाकी किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को ही पता है इधर की तरफ, बाकी मायके में सबको पता है, टोटल पता है सबको। तो अब आपको ये जवाब भी मिल गया होगा कि मैं मतलब कैसे करती हूँ, सारे पार्सल सुबह ही मेरे हस्बैंड ले जाते हैं, और वही वही रूटीन है बस रोज का, दिन का जैसे ही मेरे को वक्त मिलता है मेरा पार्सल आते ही मैं आप लोगों को इस साथ वीडियो भी जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।